जय हिंद मेरे बच्चों। चलिए हम लोग जो है इतिहास के इस प्रैक्टिस सीरीज को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सुमेलित कीजिए। कह रहे हैं सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अधिकारी हैं और सूची सेकंड में विभाग है। ए कहता है वजीर अर्थ विभाग, बी है और ए मुमालिक सैन्य विभाग, सी है सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग, काजी उल कुजात न्याय विभाग। तो मेरे बच्चों यहाँ पर कौन सा जो है आपका सुमेलित होगा ये ध्यान देना है। सबसे पहली बात गजब का यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, वजीर का संबंध किससे है, हर विभाग से बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग से होते थे, सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग से, और काजी उल कुजात जो है न्याय विभाग से। यहाँ पर अगर हम लोग सुमेलित भी करना चाहें तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले का पहला सही, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दीवान ए मुक्त खराज, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, और सी दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, और डी है दीवान ए रियासत बलबन। तो भैया किसके शासनकाल में कौन सा जो है सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए मुख्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल राइट आंसर, दीवान ए अमीर कोही भैया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, और लेकिन यहां पर यही आपका सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है वही इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों यहां पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, यहां पर इल्तुतमिश। तो भैया चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है, ए ममलुक काल, बी है लोदी काल, सी है तुगलक काल, और डी है लोदी काल। यहां पर दिया है 2 बार, तो भैया यहां पर आपका लोदी काल 2 बार दिया है, इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? पहला ऑप्शन है चौधरी, बी है रावत, सी है मलिक, और डी है पटवारी। तो भैया यहां पर चौधरी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, ए अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी, और डी है उर्दू। तो मेरे बच्चों बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम होगा कि भाषा कौन सी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा फारसी, सही जवाब यहां पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जजिया एक तरफ सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड दिया है, सूची फर्स्ट में जो है यहां पर दिया है कौन कौन से कर कहां पर लगाए गए, पहला ए जजिया, और यहां दिया है गैर मुसलमान मुस्लिमों से, बी है जकात मुस्लिम धार्मिक कर, सी है खराज गैर मुस्लिम भू कर, और डी है खुम्स लूटी गई संपत्ति से संबद्ध है। तो भैया यहां पर आपका कौन सा सही है, यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि भैया बिल्कुल यहां पर देखिए, यहां पर जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर आपका क्या कहलाता था, जजिया कर कहलाता था। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि मुसलमानों को छोड़ करके जो अन्य लोगों से हम कर लेते थे वो क्या है, जजिया है, ठीक है, और जकात मुस्लिम धार्मिक कर, ठीक है, जो जकात कहलाता था, जो मुसलमानों से धार्मिक रूप में लिया जाता वो जकात होता था, ये है, और गैर मुस्लिम भूकर मुस्लिम के अलावा जो भूमि के लिए लोगों से कर लिया जाता था वो कौन सा होता था, खराज होता था, क्या होता था, खराज, और लूटी गई संपत्ति से संबंधित वो क्या कहलाता था, खुम्स कहलाता था, ठीक है। तो जैसे जो लूटपाट से जो धन एकत्रित होता था उसमें से जो हिस्सा प्राप्त होता था, ठीक है, सुल्तान को, उसे क्या कहते हैं, खुम्स कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर आपका पहला ऑप्शन
पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये तो मेरे बच्चों आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले भी, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अभी जल्दी में ही क्लासेज आप लोगों का जो है ऑफलाइन जब चल रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि वह कौन सा था। ये है फिरोज शाह तुगलक, ये है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है सिकंदर लोदी और डी है इब्राहिम लोदी। तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये मात्र एक ऐसा सुल्तान था जो हिंदू की जो त्योहार है होली उसमें उसने शिरकत किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और मोहम्मद बिन तुगलक ही है, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा के विषय में भी विरोध किया था, ठीक है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के किस सुल्तान ने जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था? यहां पर पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, भी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बलबन। तो मैं भी आपको यहां पर आपका फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो कौन थे? तो आप कहेंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ए है कृषक, बी है योद्धा, सी है बुनकर और डी है व्यापारी। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्लास में इतना ही, शेष बातें हम जो है अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद मेरे बच्चों।